हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ बनारस में, देख सकते हो सामने गंगा नदी और यहीं बगल में है नेपाली घाट। तो आज मैं उस घाट पर बने हुए पशुपतनाथ जी के मंदिर का दर्शन कराऊंगा, जो नेपाल के काठमांडू से सटे देवपाटन नामक गांव में एक हिंदू सुप्रसिद्ध मंदिर है। उसी मंदिर के स्वरूप को यहाँ पर बनाया गया है और आज मैं उस मंदिर को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो भी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको यूं ही देखने को मिले। चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं उसको। तो दोस्तों, ये वो मंदिर है जो काठमांडू के देवपाटन नामक गाँव में बना है। ये नेपाल के तरी पर हूबहू बनाया गया है, आप सामने देख रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी स्ट्रक्चर है और इस पे जो है अधिकतर आप देखेंगे लकड़ी से बनाए हुए खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, और उन खिड़की दरवाज़ों पर कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं, डिजाइन्स बनाए गए हैं जो काफ़ी सुंदर और मनमोहक हैं। तो आप देख रहे हैं सामने है पशुपतनाथ जी का मंदिर, और ये बिल्कुल जो है गंगा नदी किनारे, देख सकते हैं सामने। ये गंगा नदी में जो है क्रेन लगी हुई भी इधर काम चल रहा है। और जब मैं इस मंदिर की बात करता हूँ तो ये उसी के जस्ट बगल ललिता घाट के पहले नेपाली घाट है, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। और इस तरफ बगल में है पशु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो मैं इस मंदिर की बात करता हूँ तो ये भगवान पशुपतनाथ जी को समर्पित है। आप देख रहे हैं सामने, ये काफ़ी सुंदर सा डिजाइन बनाया गया है जो आज बनाना शायद ही मुश्किल होगा। और सामने है, देख सकते हैं, भगवान शिव का सवारी जिसे कहते हैं, नंदी बैल। और ख़ास करके आप इन दीवालों को देखेंगे तो ये जो है गेरुए कलर में पुते हुए हैं, और ये जो लकड़ी है काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है, ये आम लकड़ी नहीं होगी। और इस पे बनाई गई जो आकृति है और इस पे जो कलाकृतियाँ की गई हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत है, कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है इसमें। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है मंदिर के जस्ट सामने ही बड़ा सा, और मंदिर के लगभग जो गेट और खिड़कियां हैं वो सारी जो है लकड़ी की हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे जो छत से नीचे की तरफ लटका हुआ है वो सब, और उसमें कुछ जो है हमें जहाँ तक लगता है कि ये कांस या जस्ता के होंगे, जो पत्ती की डिजाइन के लटकाए गए हैं। पूरी छत को देखेंगे आप, जो भी खिड़की है लकड़ी की है। और इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर है यात्री सूचना काउंटर है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर, लेकिन अभी बंद है फिलहाल। और अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं जो डिजाइन की हुई, देख सकते हैं ये अंदर अभी भी बहुत सारी लकड़ियाँ अंदर पड़ी हुई हैं। तो मंदिर फिलहाल अभी बंद है तो हम अंदर के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं इस वीडियो में। तो अब फिर कभी जो है इस मंदिर के अंदर से दर्शन कराऊंगा, क्योंकि ये वक्त नहीं है मंदिर खुलने का और मंदिर काफ़ी लेट खुलेगा। तो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कहा जाता है कड़कड़ में शिव बसते हैं, तो हर जगह आपको ये भगवान शिव के शिवलिंग या उनकी प्रतिमा दिखाई दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और क्षमा चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर का भाग मैं आपको नहीं दिखा पाया। मिलेंगे फिर नई वीडियो में।